we are doing MD care. Is that clear? Both boys and girls. Now we are doing the third option. और थर्ड ऑप्शन क्या है? चार ऑप्शन है, ठीक है? आपने देखना यह है कि ग्रामेटिकली कौन सा इसमें सही है, ठीक? तो इसमें फिर मैं ये बात करूंगा कि ग्रामर इन्वॉल्व होती है। बोथ आई एम ट्राइंग टू डायरेक्ट बोथ स्टूडेंट ऑफ एमडी कैट and the students who are trying to appear in the coming anti-test. Now let us analyze the four questions, four options. Our question is, may I have a question about you? In each of the following, is that clear? In each of the following questions, four alternative sentences are given. Choose the correct one. ये आपको जब आप एंटीटेस्ट देंगे मेडिकल के स्टूडेंट डेंटल एग्जामिनेशन के लिए भी, तो उनको ये चार ऑप्शन भी आएंगे। दो ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। यानी इन चार ऑप्शन में आपने देखना कि इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम करते हैं। पहला है, The Mona Lisa is a popular symbol of Western painting. Is that clear? Comma. Being made perhaps the most reproduced piece of art in the world. Now we move towards option P. The Mona Lisa is a popular symbol of Western painting, comma, and is perhaps the most reproduced piece of art in the world. Is that clear? The next one is C. The Mona Lisa is a popular symbol of Western painting and is perhaps the most reproduced piece of art in the world, or option D, the Mona Lisa, comma, perhaps the most reproduced piece of art in the world and a popular symbol of Western painting. अब हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक है? Is that clear? Is that clear? Painting, or being. Painting being made. जिस तरह ये आप जो may perhaps the most reproduced piece of art in the world. अब इन दोनों ऑप्शन में जो बीइंग का इस्तेमाल है वो गलत है। यानी बीइंग और इधर भी बीइंग है, ये गलत है, ठीक है? अब हमारे पास रह गई दो ऑप्शन में से ऑप्शन सी जो है, द मोना लिसा इज अ पॉपुलर सिंबल ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग कॉमा इज पर्हैप्स द मोस्ट रिप्रोड्यूस्ड पीस ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड। This is our answer. ये प्रैक्ट है, क्योंकि इसमें एक तो उसने बीम का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? और दूसरा जो ये है, इसमें उसने अपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बड़े अच्छे तरीके से देने की कोशिश किया है। अब हम करेंगे अगला सी। सॉरी, दिस इज नॉट आवर आंसर, आई एम सॉरी। This is the same that we try to use being made. यहाँ पे being made है। अब इसका आंसर जो है वो C है। Is that clear?
The Mona Lisa is a popular symbol of Western painting, and is perhaps the most reproduced piece of art in the world. So C is our answer. C is our answer. इसमें उन्होंने correct इस तरह किया है कि इसमें problem थी run on sentence की. और run on sentence क्या होता है? मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ. मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि लेक्चर वाज डन. इज दैट क्लियर? मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूं द लेक्चर वाज डन. इज दैट क्लियर? और अगला है यू ऑलमोस्ट फेल अस्लीप. इज दैट क्लियर? अब ये रन ऑन सेंटेंस है. रन ऑन सेंटेंस इसलिए है, मैं बड़ा सिंपल आपको लिखा रहा हूं ताकि आपको माइंड में बात समझ आ जाए. रन ऑन सेंटेंस में हमने देखना होता है कॉमा किधर है, पंक्चुएशन किधर है और फुल स्टॉप इसका है या नहीं है. अब इसमें वो चीज उन्होंने देने की कोशिश की है, इन्होंने रन ऑन सेंटेंस को क्रैक कर दिया. तो दैट्स व्हाई सी इज आवर आंसर. और अगला जो डी है, डी में क्या है? द मोना लिसा काम कॉमा हैज द मोस्ट रिप्रोड्यूस्ड पीस ऑफ आर्ट In the world is a popular symbol of Western painting. Is that clear? The D है वो fragment pieces. ये is trying to view another problem of fragment, yani pieces. So our answer is C.